हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर के तवंडर किचन में। एक बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ आज बनाएंगे हरीरा अचवानी। हमारी भाषा में इसे पत भी बोलते हैं। महिलाओं में डिलीवरी के बाद तेज़ी से खून भी बढ़ाता है। अचवानी से कमर और जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। चलिए अचवानी को बनाते हैं। अचवानी बनाने के लिए ये मैंने सौंठ का टुकड़ा लिया है और मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश और ये 10-12 बादाम और ये मैंने छुहारे के बीज निकाल लिए हैं और ये काजू 7-8 और ये मैंने खरबूजे के बीज लिए हैं, थोड़ी सी चिरौंजी और ये अजवाइन। गोले को मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये मैंने 50 ग्राम मखाने लिए हैं अचवानी बनाने के लिए और गुड़ को मैंने फोड़ लिया है। ये सारी चीज़ें मैंने हरीरा पत बनाने के लिए लिए हैं। अब ये गोला, बादाम, काजू, छुहारे और ये सौंठ, अजवाइन, सारी चीज़ों को मिक्सी के जार में डाल के मोटा मोटा पीस लेंगे। ये मैंने मिक्सी के जार में सारी चीज़ों को मोटा मोटा पीस लिया है। अब इसे निकाल लेंगे। ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट को प्लेट में निकाल लिया है। अब मीडियम आंच पे पैन को रखेंगे। इसमें एक बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी को अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद अब इसमें ये मखाने हल्के फ्राई कर लेंगे मीडियम आंच पे। लगातार चलाते रहेंगे। ये मखाने मीडियम आंच पे फ्राई हो गए हैं। अब मखाने को प्लेट में निकाल लेंगे। दोबारा से मीडियम आंच पे पैन को रखेंगे। पैन में फिर से एक बड़े चम्मच देसी घी डाल देंगे। ये मैंने गोंद ली है। अचवानी में गोंद के डालने के बहुत ही फायदे मिलते हैं। ये मीडियम आंच पे मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेंगे। पैन में देसी घी पहले से ही बचा हुआ है। अब इसमें एक बड़े गिलास पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे पानी को पका लेंगे। अब इसमें ये गुड़ डाल देंगे। गुड़ को अच्छे से चलाने के बाद 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे मीडियम आंच पे। 5 मिनट के बाद गुड़ के पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब इसे अच्छे से चला के जो हमने ड्राई फ्रूट पीस के रखे हुए थे, अब सारे ड्राई फ्रूट गुड़ के उबले हुए पानी में डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। चलाने के बाद साथ में ये भुनी हुई गोंद भी डाल देंगे। गोंद को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब साथ में ये मखाने भी ऐड कर देंगे और बिल्कुल हल्के आंच पे 5 मिनट के लिए अचवानी को ढक के रख देंगे। 5 मिनट के बाद अचवानी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए कितने अच्छे से। अब गैस को बंद कर देंगे और अचवानी को ढक के रख देंगे। अचवानी को बाउल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से अचवानी बनके तैयार हो गई है। आप मेरे तरीके से एक बार अचवानी ज़रूर बना के देखें। आपको मेरी अचवानी की रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अचवानी की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली नई वीडियो।